Like the video, subscribe the channel and on the notification icon. वेलकम बैक गाइज, मैं संदीप कुमार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज प्रणाम मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। राजीव खंडेलवाल की काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है और राजीव खंडेलवाल के फैंस के द्वारा काफ़ी पसंद की जा रही है। इस मूवी के अंदर एक ऐसा स्टोरी कंसेप्ट देखने को मिलता है। इस मूवी के सबसे पहले बताना चाहूँगा राजीव खंडेलवाल के अपोजिट में जो सुपर हीरोइन है अपरू अरोड़ा एंड समकेश सिंह जी, जो ज़बरदस्त एक्टिंग निभाई एक हीरोइन की, काफ़ी अच्छा किरदार यहाँ पे देखने को मिलता है और राजीव खंडेलवाल की परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह सुपर देखने को मिलती है। अगर प्रणाम मूवी की स्टोरी कंसेप्ट की बात की जाए तो ये एक ऐसी फैमिली बेस्ड स्टोरी है जहाँ पे इसके पिताजी है राजीव खंडेलवाल के, इस स्टोरी के अंदर जो उनको फुल ड्रीम पूरे करके इनका IAS ऑफिसर बनाना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी इंसिडेंट होता है, एक ऐसा घटना होता है कि ऐसी इवेंट होती है जो एक्चुअली उसको फोर्स करती है और उसे गैंगस्टर बना देती है। किस प्रकार से यहाँ पे इस मूवी के अंदर एक पुलिस ऑफिसर किस प्रकार से गैंगस्टर बन जाता है, यानी एक पुलिस ऑफिसर की इच्छा रखने वाला, एक IAS की पढ़ाई करने वाला किस प्रकार से गैंगस्टर बन जाता है, ये आप देख सकते हैं। किस प्रकार से उनको हालात गैंगस्टर बनने में प्रेरित करते हैं, साथ साथ में आपको एक ऐसा लव स्टोरी भी यहाँ पे देखने को मिलता है जो काफ़ी ज़बरदस्त है। पूरी तरह से क्राइम बेस्ड मूवी, काफ़ी ज़बरदस्त है। 5 में से 4 रेटिंग मैं इसको देना चाहूँगा। आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में, जरूर दो वर्ड हमारे इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। जबरिया जोड़ी जैसी मूवी रिलीज होने की वजह से थोड़ा इस मूवी का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कम रहेगा, लेकिन इस मूवी काफ़ी पसंद की जा रही है राजीव खंडेलवाल के फैंस के द्वारा, काफ़ी अच्छा सराहा भी जा रहा है, स्टोरी कंसेप्ट भी काफ़ी अच्छा पसंद किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस मूवी के बारे में, जरूर दो वर्ड कमेंट कीजिएगा। मैं सुनील कुमार आप सभी से गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को लाइक के साथ शेयर और चैनल को नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।